हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमेट के एग्जाम के बारे में। ठीक है, कॉमेट के एग्जाम जो हमारे पास में वो पोस्टपोन हो गया था। मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको एडिट करना है चीज़ें, बहुत सारी तो एडिट फैसिलिटी आप लोगों के लिए आई है। उसके डेट्स क्या होंगे, कॉमेट के एग्जाम अब कब होने वाला है, नए अनाउंसमेंट्स क्या हैं, सारी डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। और पिछले अनाउंसमेंट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कवरअप करने वाले हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कॉज, एम टू बी अ डॉक्टर नॉट अ पेशेंट, आप लोगों को पता है हमने ट्वीट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, ट्वीट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। आप लोग पहले के वीडियोस देख चुके हो, जो फॉलोअप नहीं किए हो फॉलोअप कर लेना अगर आपके पास में टाइम हो तो। ठीक है, ये सारे बच्चों ने ट्वीट किया था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट किया था। ठीक है, हज़ारों लाखों ट्वीट्स यहाँ पर हमारे पास में हुए थे और हमारे जो हैशटैग्स है वे ट्विटर के अंदर में ट्रेंड किए थे। तो 10 तारीख को ये हमारा जो ट्वीट मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ था और 11 तारीख को हमारे पास में कॉमेट के की पोस्टपोन होने की न्यूज़ हमारे पास में आई थी। तो कॉमेट के जो हमारे पास में था वो हमारे पास में पोस्टपोन हो के 25 जुलाई को शिफ्ट हो गया था। ठीक है, हमारे पास में जो एग्ज़ाम थी वो हमारे पास में जून में थी, लेकिन वो एग्ज़ाम हमारे पास में ऑलमोस्ट एक महीना शिफ्ट होकर के सैटरडे 25 जुलाई को हमारे पास में नई डेट्स आ गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास में एडिट फैसिलिटी की जो डेट्स है वो हमारे पास में कब कब होने वाली हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने वाले हैं वो कब कब अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में मेरे कॉमेंट के वीडियो में कवरअप कर ली थी। क्लियर है। अब हमारे पास में एक चीज़ और था, उस वीडियो को मैंने एंड किया था एक बात के साथ में कि ऐसा सर्कुलर में बोला गया है कि अगर हमारे पास में और ज़्यादा पोस्टपोन करने को लेके मांग की जाती है तो वो सारे मांग को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेट्स, रिपीट, नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेट्स एंड रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब और भी कोई फर्दर एक्सटेंशन अगर हमारे पास में होंगे तो वो हमारे पास में एंटरटेन नहीं करे जाएंगे। ये एकदम स्ट्रॉन्ग विल था कि एग्जाम को 25 तारीख को ही लिया जाएगा और मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, लेकिन मैंने साथ में आप लोगों को हिंट ये भी दिया था कि जैसे जैसे सिचुएशन होंगे उस हिसाब से वो हमारे पास में पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसको लेके हल्ला नहीं करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिचुएशन कुछ इस तरीके के निकल के आए कि इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है हमारे पास में कि हमारे पास में नीट का एग्जाम 26 तारीख को है, कॉमेट का एग्जाम 25 तारीख को दे दिया था। ठीक है, जेई का एग्जाम 18 से 23 तारीख के बीच में था, बहुत सारे एग्जाम्स ओवरलैप कर रहे हैं, बच्चों को इधर से उधर ट्रैवल करना है, बहुत सारे झमेले हो रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोगों को पता है कि यार हेल्थ की कितनी ज़्यादा यहाँ पर इशू है हमारे पास में, कोविड-19 कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो हमारे पास में जो नए डेट्स निकल के आए हैं, नया अनाउंसमेंट हुआ है, आज ही हुआ है, थोड़ी देर पहले नया अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, और अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो 1 तारीख को कर दिया गया, मतलब एक हफ्ता और शिफ्ट हो गया। तो पहले एक महीना शिफ्ट हुआ, अब एक हफ्ता और यहाँ पर एग्जाम डेट शिफ्ट हो गया। ठीक है, 1 अगस्त को एग्जाम डेट यहाँ पर अनाउंस किया गया है, लेटेस्ट न्यूज है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शिफ्ट वगैरह आपके, ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। अब समझने का बात करो, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमको बोल रहा है कीपिंग द व्यू कीपिंग इन व्यू द हार्डशिप एक्सप्लेन बाय द एस्पायरिंग नीट कैंडिडेट्स, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉमेट की UGET। थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, कॉमेट की UGET 2020 भी पोस्टपोन बाय अ वीक एंड द सेम विल नाउ बी हेल्ड ऑन सैटरडे 1 अगस्त 2020 इन टू शिफ्ट्स। फर्स्ट शिफ्ट विल बी फ्रॉम 9 to 12 एंड सेकेंड विल बी फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, सेकेंड पैराग्राफ आप लोग देखो, वी हैव रिसीव्ड मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग टू नीट that they will not be able to travel to their NEET examination centers after their finishing their comet exam। मतलब कि 25 तारीख को comet होने वाला था और 26 तारीख को NEET का एग्जाम है, अभी तक ऑफिशियली जो है अभी तक पोस्टपोन वगैरह कुछ हुआ नहीं है। NEET अभी तक क्या हमारे पास में 25 तारीख को होने का है, तो 25 तारीख को NEET एग्जाम, 26 तारीख को NEET एग्जाम और 25 तारीख को comet के था। तो स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि यार हम अपने एग्जाम सेंटर्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हम अगर कॉमेट के देंगे तो फिर अगले दिन हमारा नीट है, हम एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी का कहीं सेंटर है, किसी का कहीं सेंटर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि यार हमारे पास में रिक्वेस्ट आए हैं कैंडिडेट्स के, तो एक चीज़ ध्यान में रखो, बच्चों के रिक्वेस्ट आए हैं। ठीक है, वो आर अपियरिंग टू नीट दैट दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू द नीट एग्जामिनेशन सेंटर्स आफ्टर फिनिशिंग देयर कॉमेट के एग्जाम। तो 25 को कॉमेट के देके 26 को एग्जाम देना मुश्किल होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट करी है, जिसके वजह से यहाँ पर हमारे पास में एक हफ्ते एग्जाम जो है शिफ्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि यार आप लोग इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग यहाँ पर पिटीशन मत फाइल करो, आप लोग यहाँ पर ट्वीट मत करो, आप लोग यहाँ पर ईमेल मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, जो होना है वो होगा। ठीक है, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा समझदार है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर गलत प्रूव होती हुई दिख रही है। आप लोग अगर बात रखोगे ना अपनी,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने वॉइसेस को रेस करो, अपने बात रखोगे आप लोग तो वो आगे तक जाएगी, तो कोई सुनेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो कोई घंटा नहीं सुनने वाला आपकी बात, और जो होना है वो आपके साथ में होकर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एडिट फैसिलिटी है कि अगर आपको एडिट वगैरह करना है तो वो शेड्यूल है आपके पास में, पहले 18 तारीख से थी लेकिन अब वो हमारे पास में 12 नून से, मतलब 12 बजे से 22 तारीख को हमारे पास में होने वाली है, 25 तारीख तक, 22 से 25 तारीख के बीच में हमारे पास में एडिट फैसिलिटी होने वाली है, ताकि आप अपना टेस्ट सेंटर वगैरह अपडेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नए नए सिटीज इंक्लूड कर दिए गए हैं, कैंडिडेट्स चूज कर सकते हो उनमें से, अपना टेस्ट सेंटर वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज फेल्ट सेकेंड पैराग्राफ दैट द फ्यू कॉमेट के एप्लीकेंट्स में ऑल्सो अपियर फॉर द कन्नडा लैंग्वेज टेस्ट। कन्नडा लैंग्वेज का जो टेस्ट है हमारे पास में KEA ऑन द कंडक्टेड बाई KEA ऑन द सेम डे ऑफ कॉमेट के टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कन्नडा लैंग्वेज का टेस्ट है वो ओवरलैप करने वाला है, तो टू सच कैंडिडेट्स अ सेपरेट विंडो विल बी प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक सेपरेट विंडो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू कैप्चर द डिटेल्स एंड देयर कैंडिडेट्स। दीज कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड इन द सेंटर्स वेयर UGET 2020 विल बी हेल्ड इन सेकेंड शिफ्ट, दैट इज फ्रॉम 2 PM टू 5 PM ऑफ 1st August, ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पर कंसाइड हो रहा है उनके लिए यहाँ पर हमारे पास में अकोमोडेट किया जाएगा आपको सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में जहाँ जहाँ आपके पास में होगा वहाँ पर आपको लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसी क्या चीज़ें निकल के आती है, और हमारे पास में हमको बोल रहा है कि यार यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो आप लोग, कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है हमेशा से, जब से हमने ट्वीट मूवमेंट किया है, जब से दूसरे दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने व्यूज़ पाने के चक्कर में ये सब चीज़ों को और ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की दूसरे यूट्यूबर्स को कि यार ये व्यूज़ के लिए करते हैं, वो व्यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके वजह से कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं बच्चों के माइंड में। दो कैटेगरी ऑफ बच्चे यहाँ पे बन रहे हैं, एक जो है वो बिलीव करते हैं कि हमारे पास में हमको वॉइसेस रेस करने चाहिए, और दूसरे बच्चे वो है जो हमारे पास में कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, तो उनको लगता है कि यार हमारे वॉइसेस कोई नहीं सुनेगा, और हम तो यार हमें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, हमें तो कुछ बोलने का राइट है ही नहीं, जो गवर्नमेंट है उसको जो करना है वो तो करेगी, तो हमारे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आप लोग के कुछ क्वेश्चन है, आर दिस परमानेंट सॉल्यूशंस, शुड वी कीप रीट्वीटिंग एवरी डे, कि आपको डेली डेली ट्वीट करते रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे मैसेज करते बोलते कि यार आप वापस से ट्वीट मूवमेंट चलाओ, ठीक है, वापस से हमको ट्वीट करना पड़ेगा ये वो। वर आर एफर्ट्स यूजलेस, इज आवर वॉइस अनहर्ड, ठीक है। तो आपको मैं घुमा फिरा के एकदम मेन पॉइंट पे, घुमा फिरा के बात नहीं करके अगर मेन पॉइंट पे मैं आपको बात बोलता हूँ तो ये आपकी बात है कि भाई आपके वॉइसेस अनहर्ड नहीं है, और आपके एफर्ट्स जो है वो यूजलेस नहीं हुए हैं। हमने जो एफर्ट करा था और हैशटैग्स को ट्रेंड कराया था, लाखों बच्चों ने जो हमारे पास में ट्विटर के अंदर में ट्वीट रीट्वीट किया था, सारे लिंक्स अभी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको डेली डेली करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आप फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ नोटिस तभी होती है जब बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेली डेली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपस में ग्रुप्स बना रहे हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं आपस में और बोलते हैं कि यार हम लोग इतने तारीख को इतने डेट को करेंगे। अब वो क्या करते हैं, वो ग्रुप ऑफ बच्चे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में जाते हैं, अलग अलग यूट्यूबर के पास जाते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि यार हमने टाइमिंग फिक्स किया है, इस डेट को हम लोग मास ट्वीट मूवमेंट वापस से करने वाले हैं, आप हमको सपोर्ट करो। तो यार कुछ 10-15-100 बच्चों, 500 बच्चों के ग्रुप बना लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मेरे भी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार आज हम लोग रात को 8 बजे मास ट्वीट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, आज आप लोग को सबको ट्वीट करना है। तो यार आपके बोलने से नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपके बोलने से हजारों लोग नहीं सुनेंगे, कुछ 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग सुन ले, ठीक है। तो आपको वेट करना है, ठीक है। जब एक्चुअल में नीड आएगा मास ट्वीट मूवमेंट करने का, तो सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स होंगे वो आपके साथ में आएंगे ही, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ सपोर्ट करने का, जब एक्चुअल में कोई नीड आएगी तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे सपोर्ट करने का। अदरवाइज आप लोग अपने में टाइम वेस्ट मत करते रहो, आपको अपने तरफ से कुछ करना है ट्वीट कर लो, भूल जाओ, उसके बाद आप पढ़ाई पे फोकस करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो वॉइसेज है वो अनहर्ड नहीं होते, आपकी बात आगे तक जाती है अगर आप उसको थोड़े से क्या बोलते हैं उसको यूनिटी, थोड़ी सी यूनिटी के साथ अगर आप उसको आगे लेके जाते हो, थोड़ी सी यूनिटी दिखाते हैं बच्चे अगर आपस में, तो आपकी बात जरूर आगे तक जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया था कि यार 25 तारीख के बाद शिफ्ट नहीं होगा और रिक्वेस्ट हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो बच्चों के रिक्वेस्ट आए नीट एग्जाम को लेके कि यार नीट एग्जाम हम देने नहीं जा पाएंगे क्योंकि 25 को कॉमेट के है, तो हम 26 को नीट देने कैसे जाएंगे। तो सोचो नीट एग्जाम शिफ्ट नहीं हुआ, 25 को कॉमेट के जो था वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। नीट बाद में है तो नीट वाले देखेंगे ना, हम नीट
नीट देने, नीट अलग एग्जाम हो गया, कॉमेट के अलग एग्जाम हो गया, लेकिन फिर भी आप एक चीज समझो, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो 25 तारीख को रखा गया, उसको शिफ्ट किया गया, ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर आप बोलोगे तो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज होना पड़ता है। आप ऐसा मत सोच लो कि यार कुछ होगा ही नहीं और आपका कोई सुनेगा ही नहीं। क्लियर है? बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।